जो जिनके पास आपने एडमिशन लिया है उनके पास से आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको पूरे डिटेल्स में मैंने समझाया कि आपका सिलेबस कैसा है, उसमें क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं, क्यों वो पार्ट आ रहे हैं, वो सब चीज़ें। आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो जो है, आई थिंक 1.5 आवर की वो वीडियो है, उसको आप एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो आपके सिलेबस में सबसे पहला पार्ट जो है वो है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडी। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर वन। वॉट इज, सो सी देर आर टू वर्ड्स हियर, वन इज ट्रैफिक, ओके, द अदर इज ट्रांसपोर्टेशन। सो वन इज ट्रैफिक, अदर इज ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? व्हाई वी आर सेइंग टू वर्ड्स, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन? ओके, वॉट इज ट्राफिक और वॉट इज ट्राफिक स्टडीज? सो ट्राफिक स्टडीज और ट्राफिक सर्वेज आर कैरिड आउट टू एनालाइज द ट्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो वॉट इज ट्राफिक? सो जो सड़क पे जो चीज मूव होती है ना, उसको हम ट्राफिक कहते हैं। ठीक है, हर वो चीज जो आपके सड़क पर या रेलवे ट्रैक पर जो मूव हो रही है, या आपका जो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के केस में क्या मूव हो रहा है? एरोप्लेन। रोड पे क्या मूव हो रहा है? व्हीकल्स। ट्रैक पे क्या मूव्स हो रहे हैं? ट्रेन। ठीक है, नदी में क्या मूव हो रहा है? शिप्स। ये आपके ट्रैफिक हुए जो मूव हो रहे हैं। जिस पे वो मूव हो रहे हैं, जैसे ट्रैफिक का आपका क्या बोलते हैं, व्हीकल का पे मूव हो रहा है, रोड पर, तो जिस पे वो मूव हो रहे हैं उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे चीजें मूव होती है, जो मूव होती है वो ट्रैफिक, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे मूव हो रही है वो चीजें, उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और दोनों का बिहेवियर अलग है। जो मूव होती है वो हमेशा क्या बोलते हैं, डायनेमिक होती है, जबकि आप जिस पे मूव होते हैं वो तो स्टैटिक है, वो वहीं रहेगा, वो तो आपके साथ नहीं चलने वाला ना आगे आगे, तो वो वहीं रहता है। तो जो चीज मूव नहीं हो रही होती है, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, वो स्टैटिक है, जो ट्रैफिक है वो डायनेमिक है, मोबाइल है। ट्रांसपोर्टेशन जो है, आप हमेशा एक चीज और देखोगे, रेल नेटवर्क सुनोगे आप, रोड नेटवर्क सुनोगे, एयर नेटवर्क या क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट सिस्टम नेटवर्क सुनोगे, ये हमेशा नेटवर्क में काम करेगा, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। सो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, वो कभी आइसोलेशन में काम नहीं करेंगे, वो हमेशा नेटवर्क में काम करेंगे। क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, अभी आप जयपुर में आप रहते हो, और आपने जयपुर के एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ा, और आप अब पकड़ तो लिया आपने, आपको लेट से औरंगाबाद आना है, औरंगाबाद में एयरपोर्ट ही नहीं है, आप आ सकोगे क्या? वो उतरेगा कहाँ? ठीक है, तो आप उड़ने के लिए तो आपके पास एयरपोर्ट है, लेकिन उतरने के लिए भी तो एयरपोर्ट चाहिए ना आपको, जहाँ डेस्टिनेशन है, तो आपको वहाँ पे भी वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते पूरा सिस्टम का एक पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन जाता है, इसीलिए उसको नेटवर्क बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से मान के चलो आप कार से आ रहे हो, आपने जयपुर से कार चालू की, आप सड़क पे चढ़ना शुरू कर दिए, आधे किलोमीटर बाद सड़क खत्म, अब आगे आप क्या करोगे? यू रिक्वायर्ड दैट रोड टू बी रीच ऑल द वे टू औरंगाबाद और टू वेर एवर यू वॉन्ट टू रीच दैट डेस्टिनेशन। ठीक है, आप अपने घर से बाजू वाले के घर भी जा रहे हो, तो आप एक छोटा सा रोड तो, एक छोटा सा वॉकिंग ट्रैक तो लगता ही लगता है। सो ऑल दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। तो आपको ये बात का ध्यान रखना जरूरत पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा हम नेटवर्क की बात करते हैं, जबकि जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तब हम कलेक्टिव व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। जैसे बस इज अ व्हीकल, कार इज अ व्हीकल, ट्रक इज अ व्हीकल। तो हम आगे उसको देखेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, सो वॉट इज ट्रैफिक स्टडी? ट्रैफिक स्टडी और ट्रैफिक सर्वे आर इज कैरिड आउट टू एनालाइज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो किस चीज की बनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसका फ्लो कितना, उसका डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीजें। दीज स्टडीज हेल्प इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल फॉर सेफ एंड इफिशियंट ट्रैफिक मूवमेंट। सो ये जो स्टडी आप करते हो, ट्रैफिक स्टडी जो आप करते हो, उसके बेसिस पर आप रोड या जो आपका ट्रैक है, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, उसका ज्योमेट्रिक डिजाइन आप करते हो। ठीक है, सो दिस स्टडीज फीड इन टू द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द ट्रांसपोर्ट और रोड नेटवर्क एज वेल एज ट्रैफिक कंट्रोल फॉर सेफ एंड इफिशियंट ट्रैफिक मूवमेंट। द ट्रैफिक सर्वेज आर द ट्रैफिक सर्वेज फॉर कलेक्टिंग ट्रैफिक डाटा आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक सेंसर्स। ओके, सो जिस तरह से आप ह्यूमन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन सेंसर्स करते हो, ठीक उसी तरीके से हम इसको ट्रैफिक सेंसर्स भी
बोलते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग? ओके, सो आपने अभी जो यहाँ पे जो ट्रैफिक स्टडी किया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का आता है। बनाने से पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है। तो आप स्टडी क्या करते हो? पास्ट के बारे में करते हो। कोई भी जब स्टडी किया जाता है तो पास्ट के बारे में किया। आप किसी के पास नौकरी लेने जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, वो आपका क्या देखेगा? वो आपका क्या बोलते रिज्यूमे देखेगा। रिज्यूमे क्या दिखाता है? उसके अंदर हिस्ट्री दिखाता है ना कि आपको टेंथ में कितने मार्क्स थे, आपको बैचलर्स में कितने मार्क्स थे, आपको बाकी के एग्जाम में ये सब मार्क्स क्या है? आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन हिस्ट्री, दैट इज ट्रैफिक स्टडी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, यू प्लान फॉर योर फ्यूचर। एंड इन दिस केस दैट प्लानिंग इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज मीन्स एनी स्टडी और एनी अदर एनालिटिकल undertaking that facilitates any mode of transportation within this state. The term includes but is not limited to the research of highway, transit matlab public transport, bus based public transport, rail based public transport, rail means the long distance rail, jaise Indian Railway ho gaya wo, and aviation, that means air service, capital infrastructure. Capital means jo aapka infrastructure hai, jo road, एयरपोर्ट, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बाइसिकल, पेडेस्ट्रियन पाथ, ब्रिजेस, वेज लाइक टनल्स एंड सो ऑन, एंड अदर प्रोजेक्ट दैट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एनिमल और पीपल। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे जो मैंने फोटो इंटरनेट पे से जो लगाई है, आप देख सकते हो कि ये जितने भी जो गाड़ियां आपको यहाँ दिख रही है ये सब ट्रैफिक है, लेकिन ये कब इस पे से जा पा रही है? जब ये पूरा एक नेट यहाँ पे ये पूरा रोड का एक पूरा नेटवर्क बने हुआ है, ये जहां से आ रहे हैं वहां से ये रोड बना बन के आ रहा है, और कहीं जहां तक इनको जाना है वो वहां तक जा रहा है और भी आगे जा रहा है। तो ये सब पूरा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन है, और आपको ये प्लान करना पड़ता है। तो आपने जो पिछले बार में आपने जो कलेक्ट किया उसके बेसिस पे आप अब प्लानिंग करते हो। प्लानिंग करने के बाद में देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब यहाँ पे सर्विसेज है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आपने सड़क तो बना दी, अब ये सड़क पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट। इस सड़क पे प्राइवेट मोड भी यूज हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईवे और कार। इस सड़क पे अगर आपने परमिट किया तो टू व्हीलर भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई प्लेन नहीं उतरेगा, यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं जाएगी, क्योंकि उसके लिए ये डिजाइन नहीं किया गया। तो आप किस तरह की सर्विस वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो वो चीज अब फिर आती है। सो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस मीन्स दोज एक्टिविटीज डिजाइन्स टू असिस्ट अ पर्सन टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर टू ऑब्टेन सर्विसेज और कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। सो If you see this one, ये बने हुआ, ये कहीं से तो भी ये आ रहे हैं और ये कहीं तो भी जा रहे हैं। तो ये हमने एक रोड नेटवर्क बनाया है, दिस इज फैसिलिटेटिंग देम टू मूव फ्रॉम देयर प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड बाय रीचिंग टू दैट प्लेस दे आर गोइंग टू एक्सेस टू दैट सर्विस, परफॉर्म देयर एक्टिविटीज एंड सो ऑन। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द करेंट स्टेट। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो सब किया है, उसका जो उससे जो आपको करंट स्टेट पता चलता है ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द रीजन, देन डिजाइनिंग फॉर द फ्यूचर ट्रांसपोर्ट नीड। सो आपको करंट स्टेट के बारे में पता चलता है, आप फ्यूचर के लिए डिजाइन करते हो फ्यूचर नीड के बेसिस पे, एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ दैट विद द एलिमेंट ऑफ बजट, क्योंकि आपके पास पैसा अनगिनत तो है नहीं, सो यू हैव टू कंबाइन इट विद द एलिमेंट ऑफ बजट, गोल व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड द पॉलिसी ऑफ दैट टाइम। Okay, so that is a good definition of transport policy. If in the interview, आपसे अगर किसी ने पूछा, what do you mean by transport policy, you should give an answer to something in this line. Okay, the history in the present state, the future that you dream of, and combining it with the reality of budget, the aim of your goal, and the policy of the different section. It helps shape how a community or city grow by evaluating everything from the street and highway to cargo ship to public transit and bike lane. It can influence everything from business to recreation of quality of
टू क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट्स एवरीथिंग एंड यू कैन प्लान अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ योर होम टू हाईवे टू द कार्गो शिप्स टू द एयरपोर्ट्स एंड एवरीथिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग. और आई थिंक अभी जयपुर में मेट्रो भी शुरू होने वाला है या हो चुका है, तो वो जो चीज आती है वो पब्लिक ट्रांसिट के अंदर आती है. जो जयपुर के अंदर जो मेट्रो आने वाली है तो वो पब्लिक ट्रांसिट के अंदर आती है. सो इन शॉर्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू बेटर अंडरस्टैंड आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड डिसाइड व्हाट एक्शन इफ एनी वी रिक्वायर टू परफॉर्म. So, what are the difference as a planner, अगर आप जब आगे as a town planner की तरह काम करोगे, as a traffic engineer की तरह काम करोगे, as a traffic planner की तरह काम करोगे, what should be your objectives? या सिर्फ अगर आप simple ये भी देखो कि अगर मान के चलो आप किसी शहर के आप IAS officer बन गए और उस शहर के आप क्या बोलते इंचार्ज हो, तो आप किस तरह से सारी चीजों को देखोगे. So, the first thing you required is vision, goal and objective. ओके, आपको सबसे पहले विजन चाहिए, गोल चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए. बिना विजन के तो आप किसी आप अंधों की तरह इधर उधर भटकोगे लेकिन अचीव कुछ नहीं करोगे. सो विदाउट विजन योर मूवमेंट इज नथिंग. सो यू रिक्वायर्ड विजन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कंडीशंस. एग्जिस्टिंग कंडीशन समझना बहुत आसान है लेकिन फ्यूचर कंडीशन के लिए अजम्पशंस हमें बहुत सारे लगाने पड़ते हैं. हमारे अजम्पशन गलत भी होते हैं, हमें उसको करेक्ट भी करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी मैं आज औरंगाबाद में, कैन यू अज्यूम कि मैं कुछ दिनों बाद जयपुर आ जाऊंगा और वहां पे सेटल हो जाऊंगा. आज मेरी एज अराउंड 40 के मैं हूं, मैं 41 रनिंग है. तो अगर क्या आप बोल सकते हो कि मेरा रिटायरमेंट मैं जयपुर में गुजारूंगा? So it's very difficult to predict the future, but you have to predict the future in some or other way so that you can come to a conclusion. Okay, existing aasan hai, main aaj ki tarikh mein Aurangabad mein hu, aap aaj ki tarikh mein Jaipur mein, it's very easy. Need assessment, what is my need, what is your need from the transportation perspective, from the town planning perspective. Okay, what is my need? If I am a 10-year-old, my need is to reach to my school safely. If I am a 20-year-old, my need is to reach my college safely. If I am a 30-year-old, my need is to reach my office safely. If I am a 40-year-old, my need is to help my son to reach his school safely, then reach to my office safely, and then come back to my home safely. If I am a 50 years old, my need is to make sure that I am like doesn't fall anywhere and break my leg. So walk safely and do my activity safely. If I am a 60 year old, now I am a retired person. Now my traveling need required will drop from like a very high, let's say 70% travel requirement to less than 10% traveling requirement. And if I am 100 year old, probably you have to take me to the hospital. Okay, so you have to perform the need assessment of every section of the society, every age bracket of the society when it comes to the transportation. Develop strategies. Okay, you have to develop different strategies for different group, age group, section of the society. For example, the strategy for my son to reach school is he has to walk on the footpath. He cannot run on the street. And all the time I have to be on his back, not in front of him, but on his back, because I want to make sure that he's I can see his movement all the time. Okay, so that is my strategy to make sure of taking this journey from home to school in his case. Okay, similarly, you have to develop the strategy as a town planner. Can you provide school buses, safe school movements for kids of your cities? Can you provide a metro system so that people should not use a private mode of transportation and so on? So you have to develop different strategies. And when you develop the strategies, you have to make sure that you understand the entire consequences, both in terms of positive as well as negative.
So some strategies are really good on paper, but when you go on and implement it, it may cost you so much of money that it will never recover and it may collapse. Okay, so you have to understand the whole situation before developing the strategy, and that's why need assessment, future and existing condition need to be analyzed properly. Then project selection and prioritization. Now, when you will work as a town planner or a traffic engineer, you will see that इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, हमारी सिटी के अंदर, और आपको सोल्यूशन भी दिख रहे हैं, लेकिन देर आर कंस्ट्रेन ऑल्सो विद दैम, द मॉनिटरी कंस्ट्रेन, द बजटरी कंस्ट्रेन, द लैंड कंस्ट्रेन, टाइम कंस्ट्रेन. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर डिसीजन मेकिंग, योर ऑप्शंस यू हैव टू बी प्रॉपरली सेलेक्टेड, सो दैट एवरी मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट विद द लोएस्ट बजटरी प्रोविजन्स. देन कम्स प्रोजेक्ट फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. जैसे मैंने कहा, बजटिंग, और फिर उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसके बाद जो आपने डिजाइन किया था और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब आपको उसको मॉनिटर करना है कि वो ठीक तरीके से परफॉर्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, एंड सो ऑन. सो ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस. ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस में आप, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे देखा है ना, ये सब हम इसके डिटेल्स पढ़ेंगे. तो अब हम सबसे पहले ट्रैफिक स्टडी की पढ़ेंगे. तो आपका ये जो यहाँ पे दिए हुआ ट्रैफिक स्टडी एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडी, तो हम सबसे पहले ट्रैफिक स्टडी पढ़ेंगे और फिर बाद में हम ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज के बारे में जाएंगे. सो ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, ये सबसे सिंपल है. आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ी है तो ये आपने पढ़ा होगा. ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है. और इसमें आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और उसको फिर इंटरप्रिटेट करते हैं. ओके, सो वेरियस ट्रैफिक स्टडीज जनरली कैरियड आउट आर, फर्स्ट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, सड़क पे कितने गाड़ियां चल रही है. ट्रैफिक स्टडी, ट्रैफिक स्पीड स्टडीज, वो गाड़ियां जो चल रही है वो कितनी स्पीड पे चल रही है. ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेसिटी स्टडी, कितनी कैपेसिटी है सड़क की, वहां की फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, लोग कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं. ओरिजिन कहाँ से निकल रहे हैं, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहे हैं. तो आज मॉर्निंग में मेरा ओरिजिन मेरा घर था, डेस्टिनेशन मेरा ऑफिस है, मेरा कॉलेज है. ठीक है, मेरे बेटे का जो ओरिजिन है, अभी 8 बज गए होंगे तो वो स्कूल चला गया होगा. ओके, तो उसका ओरिजिन तो मेरा घर ही है लेकिन उसका डेस्टिनेशन उसकी स्कूल है. ठीक है, मेरी वाइफ के केस में वो उसको आज स्कूल छोड़ने जा रही है, तो ओरिजिन उसका भी घर है, डेस्टिनेशन पहला डेस्टिनेशन मेरे बेटे की स्कूल है, लेकिन वो स्कूल में रहेगी नहीं, 5 मिनट बाद वापस आ जाएगी. तो अब स्कूल उसका ओरिजिन हो गया 5 मिनट बाद, और अब वापस जब अपने घर आ रही है तो डेस्टिनेशन उसका घर हो गया. तो ऐसी चीजें भी आप निकालते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी. किसी भी सिटी को आप तब तक ठीक से प्लान नहीं कर सकते जब तक आप उसके ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन की स्टडी, उसके एनालिसिस नहीं कर लेते. पार्किंग स्टडी, ये तो आप भी जानते हो, आप कहीं जाते हो, कार से जाते हो या टू व्हीलर से जाते हो, तो आपको अपनी गाड़ी को खड़ी करना पड़ता है तभी आप अपने काम को परफॉर्म करते हो. लेट्स से कि मान के चलो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आज शाम में आज आप किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, आपको थोड़ा सा बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप टू व्हीलर चलाते हुए जाते हो, परफेक्ट है. तो क्या आप डॉक्टर के कैबिन तक टू व्हीलर लेके जाओगे क्या? नहीं, आपको कहीं ना कहीं बाहर उस टू व्हीलर को खड़ा करना है, उससे उतरोगे, फिर पैदल चलोगे उसके कैबिन तक, और फिर आप अपना परफॉर्म करोगे एक्टिविटी जिस एक्टिविटी के लिए आप वहां गए थे. तो बिना पार्किंग के लिए के आपके कोई एक्टिविटी नहीं चल सकती. अगर प्राइवेट व्हीकल्स में पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, घर से निकले, पैदल गए, बस स्टॉप तक गए, बस में बैठे, अगले बस स्टॉप पे उतरे, वहां से पैदल गए और हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में दिखा हो गया, तब आपको पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने आपको छोड़ा और वो आगे चला गया, पार्किंग अब उसकी प्रॉब्लम है. एक्सीडेंट एनालिसिस और एक्सीडेंट स्टडीज, ये तो आप भी जानते हो कि अगर कोई दो चीजें चलेगी और एक साथ एक ही जगह आ गई तो वो दोनों टकराएंगी, टकराएंगी तो नुकसान होगा. जब ट्रैफिक के केस में हम उसको एक्सीडेंट बोलते हैं.
आप एक चीज नोटिस करोगे, कई बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं रोड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें ना रोड पे बड़े आसानी से समझी जा सकती है, क्योंकि हमारे आपके आंखों के सामने रोड हमेशा आया है। लेकिन यही चीजें बाकी हर जगह भी लागू होती है, रेलवे में भी लागू होती है, शिप पे भी लागू होती है, एयर पे भी लागू होती है, इन अ वेराइंग डिग्री पर लागू होती है। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको रोड के हिसाब से ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब टाउन प्लानिंग के आप एग्जाम दोगे तो आपका 99% काम जो है वो रोड बेस्ड ही होगा। अनलेस अंटिल वहां मेट्रो बन चुकी है या बन रही है, आप रोड पे ही काम करोगे। तो लेट्स सी द ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। इन दिस केस वी विल सी ऑल द सिक्स वन बाय वन। सो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। So traffic volume is denoted by Q, small q. Okay. And what that means is definition is number of vehicles crossing the particular section of a road in per unit time is called traffic volume. Okay. And it is expressed in vehicle per day, vehicle per hour or vehicle per minute. So आपका road section है जिस तरह से यहाँ पे है, ये का आपका रोड सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन। आपने यहाँ पे एक आपने खड़ा कर एक मैनुअल काउंटिंग के लिए आप यहाँ खड़े हो गए और आप ये देख रहे हो कि कितने व्हीकल्स यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। तो जितने क्रॉस होंगे स्मॉल क्यू, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है 165 व्हीकल्स पर आवर, ये एक एग्जाम्पल है, ये मैंने ऑनलाइन जो मेरे को देखा था ये मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया। तो वन आवर, क्योंकि ये सिर्फ कार है इसलिए ये PCU पैसेंजर कार यूनिट। लेकिन आप जब इंडिया में जब आप देखोगे, जब आप इंडिया में सड़क किनारे खड़े रहोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के सब कुछ दिखेंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम जयपुर पे आप जयपुर में आपको हाथी दिखता है कि नहीं दिखता है। औरंगाबाद में मैंने एक एक या दो बार ही देखा है, पर साउथ में आपको अक्सर दिख जाएंगे। पर हाँ, टू व्हीलर वाले दिखेंगे, रिक्शा दिखेंगे, बस ट्रक दिखेंगे, कार दिखेंगे, मिनी टेम्पोज दिखेंगे, सब कुछ आपको दिखेगा एक ही सड़क पर। तो आप इनको कैसे काउंट करोगे, सबका अपना अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए क्या होता है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं पैसेंजर कार यूनिट में इक्विवेलेंसी के लिए। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो कि आई थिंक ये दिल्ली का है, दिल्ली हरियाणा की गाड़ियां दिख रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुलक कार्ड भी है और महंगी कारें भी है। तो और IIMT कोई गाड़ी है, उस कोई कंपनी है उसकी गाड़ी है, या सब कुछ है उसमें, पैदल चलने वाले लोग ये सब, तो आप इनको कैसे काउंट करोगे। सो इसीलिए हम जो यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है पैसेंजर कार यूनिट। सो अंडर द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द ट्रैफिक वॉल्यूम। काउंट मिल सकता है आपको, 10 गाड़ियां गई, 15 गाड़ियां गई, लेकिन वो काउंट जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ, मैंने कहा 10 गाड़ियां गई, आप मुझे बता सकते हो कि वो जो 10 गाड़ियां थी वो ट्रक थी कि कार थी, मिनी ट्रक थी कि बिग ट्रक्स थे, आप मुझे ये नहीं बता सकते हो ना, क्योंकि आपने वो देखा नहीं और मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया नहीं है। तो इसीलिए हम उसको कन्वर्ट करवाने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन जो है हमारा PCU है। सो अंडर द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी एक्सेट्रा। हेंस ऑल क्लासेस ऑफ व्हीकल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज पैसेंजर कार यूनिट PCU. What is the equation of PCU? It's actually the speed ratio divided by the length ratio. Okay. Now, what is the speed ratio? The speed ratio is the speed of the standard vehicle divided by the speed of that particular vehicle that you are dealing with. So, standard vehicle jo rahega, generally jo standard vehicle apne case mein hai, wo hai car. और अगर आप सिर्फ कार की ही बात कर रहे हो तो जो उसकी जो स्पीड है वो भी कार आएगी। लेंथ जो स्टैंडर्ड व्हीकल है उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट स्टडी व्हीकल जिसके आप PCU निकालना चाहते हो। ठीक है, तो अगर ट्रक की आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप कार का ये डालोगे स्पीड्स, स्टैंडर्ड स्पीड, स्टैंडर्ड लेंथ, एंड देन ट्रक की स्टैंडर्ड स्पीड डालोगे और ट्रक की स्टैंडर्ड लेंथ डालोगे। V स्टैंड फॉर स्पीड, L स्टैंड फॉर लेंथ। तो इंडियन रोड कांग्रेस जो है, जो कि जिसका ऑफिस दिल्ली में है, और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे जितने भी रोड से रिलेटेड चीजें हैं वो
उसके स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, और ये हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे आपके बाद, इसके बाद ट्रैफिक स्टडीज के बाद में आपको इंडियन रोड स्टैंडर्ड्स के बारे में ही आता है, तो वो हम तब पढ़ेंगे। तो उनका जो दिए हुआ है स्टैंडर्ड्स जो दिए हुआ है वो यहाँ पे दिया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उनका स्टैंडर्ड दिए हुआ है। ठीक है, सो कार एंड टेम्पोज आर योर स्टैंडर्ड व्हीकल विच इज कंसिडर्ड एज वन, मोटरसाइकिल इज 0.5, साइकिल रिक्शा इज 1.5, क्योंकि साइकिल रिक्शा की स्पीड कम होती है, तो स्पीड कम होती है तो आप देखोगे कि ये जो है ये चीज कम हो जाती है, ठीक है, सॉरी ये चीज बढ़ जाती है, तो इसलिए फिर ये आपका पीसीयू बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बस एंड ट्रक 3, इनकी लेंथ बड़ी होती है, हॉर्स एंड हॉर्स ड्रिवन व्हीकल्स 4, क्योंकि इनकी लेंथ भी बड़ी होती है कार से और इनकी स्पीड भी काफी कम होती है, स्मॉल बुलक कार 6, तो स्पीड तो कम ही है और लेंथ बड़ी है, लेकिन लार्ज बुलक कार 8, क्योंकि इनकी लेंथ और बड़ी है। तो ये आपको याद करना जरूरी है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, आपको ओरल में पूछा जा सकता है, ओरल में आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ पैसेंजर कार, पैसेंजर यूनिट, सॉरी पैसेंजर कार यूनिट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे PCU लिखना चाहिए था, मैंने PUC लिख दिया है। नाउ हाउ यू मेजर द ट्रैफिक वॉल्यूम, आप ये यहाँ पे जाकर मान के चलो आप यहाँ खड़े हो, आप कैसे मेजर करोगे? ओके, सो दो तरीके हैं, स्टैंडर्ड तरीके दो हैं, आप एक तो खुद से काउंट करो 1, 2, 3, 4, या फिर मॉडर्न टेक्निक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक्स है उसको यूज करो। ठीक है, सो देर आर मेथड्स, फर्स्ट इज मैनुअल काउंट, सेकेंड इज रडार, थर्ड इज क्लोज सर्किट टेलीविजन, फोर्थ इज मैग्नेटिक डिटेक्टर्स, फिफ्थ इज प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स, सिक्स्थ इज पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, एंड देन देर आर मेनी मोर, मतलब आप चाहो क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में और भी नई टेक्निक्स निकल रही है तो वो भी है, पर मैंने वो सब उतना नहीं लिखा, जो इंडिया में जो मैंने देखा है मैंने सिर्फ वही लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको इतना भी अगर मालूम रहा तो ये आपके लिए आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बेनिफिट होगा, और लॉजिक सबके पीछे एक ही है। ठीक है, तो मैनुअल काउंट इसमें क्या होता है, इन अ मैनुअल काउंट यू हैव अ ट्रेन्ड पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू और ऑन अ रोड साइड एंड काउंटिंग द व्हीकल्स, तो कितने साइकिल गई, एक साइकिल गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये जब क्रॉस करेंगे तो 5 कार क्रॉस कर रहे हैं, कितने ट्रक क्रॉस कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से उसको काउंट करेगा। सो इन अ मैनुअल काउंट ट्रेन पर्सन आर पोस्टेड एट ईच लेग ऑफ इंटरसेक्शन टू काउंट और रोड सेक्शन, सो रोड सेक्शन या फिर इंटरसेक्शन पे आप ये काउंट करते हो। जनरली मैनुअल काउंट जो होता है वो आप इंटरसेक्शन पे करते हो, और रोड के लिए जो मिड सेक्शन जो है वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हो, क्योंकि वहां पे आसानी से इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज की जा सकती है, एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक्स और बसेस एंड कार एक्सेट्रा, तो वो आप रिकॉर्ड करते हो। सो इट इज अ सिंपल मेथड, बट एक्यूरेसी इज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, हाउ गुड इज दिस पर्सन विल डिफाइन द एक्यूरेसी। ओके, बट इट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ, it doesn't require any specialization. A person either use an electronic handheld counter, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास में handheld counter एक है, to record the data, or can use a tally sheet. They may stand at the side of the road, or more commonly watch a video of the road and count from that. So एक और तरीका वो होता है कि आप यहाँ पे एक वीडियो लगा दो, वो वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग करेगा, और बाद में आप अपने ऑफिस जाकर उस वीडियो को आराम से अपने हिसाब से अपनी स्पीड में व्यू करके उसमें से कर सकते हो। तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने मेरे PhD पे यूज किया था, मैंने तकरीबन 3 साल तक डाटा कलेक्ट किया था, और वो डाटा जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कलेक्ट किया था, रफली मेरे पास में करीब 700 आवर्स का डाटा था, और उस 700 आवर्स के डाटा को फिर मैं आराम से अपने ऑफिस में अपने कॉलेज में बैठ के एनालाइज करता था, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती थी। ठीक है, पर द ओनली प्रॉब्लम इज कि मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं वो किसी के धक्के से गिर ना जाए, बारिश में वो बारिश आए तो फिर मैं लगा नहीं सकता था, कहीं उसके ऊपर बारिश ना गिरे, सो आई हैव टू मेक श्योर कि उसको धूप बारिश और दूसरे किसी चीज़ों से उसको सेफ रखूँ, नहीं तो वो एक्सपेंसिव नुकसान हो जाएगा मेरा।
इन टेस्ट मैनुअल व्हीकल काउंटिंग वॉज 99% एक्यूरेट. सो इसका कहना है 99% एक्यूरेट है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्सन, मोटिवेशन ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि ये भी तो थोड़ी देर में बोर हो जाएगा. और आपको पूरा दिन अगर इसको करना है तो बोर हो गया, अगर उसने 2 मिनट के लिए भी अपनी आंखें बंद कर ली तो आपका डाटा काफी लॉस होता है. With manual count, a small sample of data is taken, typically over less than a day. So generally, manual count सिर्फ एक दिन के आसपास के लिए ही किया जाता है. Result are extrapolated for the rest of the year or season. ये long duration के लिए नहीं किया जाता है. दूसरा method है, manual method एक ही है जिसमें आप इंसान, बाकी जितने भी method है वो electronic methods हैं, ठीक है, automated methods हैं. तो दूसरा मेथड है वीडियो व्हीकल डिटेक्शन. तो आप क्या करते हो कि ऑब्वियसली मैनुअल काउंटिंग इज अ लेबोरियस इंटेंसिव, सिस्टम्स आर नाउ अवेलेबल दैट विल ऑटोमेटिकली एनालाइज द वीडियो पिक्चर एज कार आर पासिंग एंड डिटेक्ट द कार और व्हीकल एक्यूरेटली टू दैट ऑफ द पर्सन वॉचिंग द वीडियो. सो क्या होता है कि आपने एक वीडियो लगा रखा है और ये वीडियो अब रिकॉर्ड करेगा, तो या तो आप खुद इसको देख लो कि अच्छा एक कार गई, दो कार गई, तीन कार गई, कितनी कार इधर लेफ्ट टर्न ले रही है, कौन क्या कर रहा है, वो सब चीजें आप रिकॉर्ड आप खुद मैनुअली निकालते हो, या फिर जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से ये क्या बोलते हैं वीडियो के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, जिससे वो पता कर सकते कि कितनी गाड़ी यहाँ से एंटर हुई है और कितनी गाड़ी यहाँ से एग्जिट हो रही है, तो काउंट करता जाएगा. और आप देख सकते हो कि उन्होंने एक फ्रेम बनाया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके भी आप काउंटिंग कर सकते हो. सो दिस इज द वीडियो व्हीकल डिटेक्शन मेथड. देन पियोमेटिक रोड ट्यूब काउंटिंग, और ये आपने शायद देखा होगा आज के तारीख में, ये इंडिया में आपको दिख जाते हैं हाईवेज पे, तो आपको आसानी से दिख जाएंगे. ओके, सो हियर वन और मोर ट्यूब, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि ये एक हाईवे जहाँ पे इसको लगाया जा रहा है, और ये आई थिंक ये कर्नाटक की गाड़ी है, के ए, तो ये कर्नाटक की गाड़ी है ये जो फोटोग्राफ है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो प्यूमेटिक ट्यूब्स लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं, और अब इसके ऊपर से जब गाड़ियां जाएगी तो ये काउंट होगा. सो व्हाट हैपन इज हियर वन और मोर रबर हॉर्स और आर स्ट्रेच अक्रॉस द रोड एंड कनेक्टेड एट वन एंड ऑफ द डाटा लॉगर, द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड. व्हेन अ पेयर ऑफ व्हीकल हिट द ट्यूब, एयर प्रेशर इन द स्क्वैश्ड ट्यूब एक्टिवेट्स द डाटा लॉगर which record the time of the event. So, क्या होता है कि आप इसके अंदर हवा भरी होती है, इसलिए इसको कहते हैं प्यूमेटिक ट्यूब, रबर ट्यूब है. जब ये गाड़ी इसके ऊपर से जाएगी तो इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये प्रेशर रिकॉर्ड कर लेगा डाटा. जब गाड़ी दूसरे ट्यूब के ऊपर से जाएगी, यही गाड़ी जब इस पे से जाएगी तो वो रिकॉर्ड कर लेगा और उसको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इसको यूज किया है. ठीक है ना, आप अगर इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो ट्यूब लगाए जा रहे, एक और ये दो. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि दो ट्यूब क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है मुझे कि वहां पे दो ट्यूब क्यों लगाए जा रहे थे, एक और दो? आप तक आवाज आ रही मेरी? अजय, लोकेश, राम, नहीं, एक्यूरेसी के लिए नहीं अजय. ओके, सो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ होता क्या है? ओके, सो अगर आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप कर भी सकते हो कैलकुलेशन. मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को जूम करता हूँ, कैसे करूँगा, जूम इन. हाँ, सो आप ये देखो कि ये जो डिस्टेंस है आप इसको मेजर कर सकते हो, ये डिस्टेंस को. ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस मालूम पड़ गया डी. ओके, डी इज दैट डिस्टेंस. Now, जब ये गाड़ी पहले ट्यूब के ऊपर से जाएगी तो आपने देखा कि टाइम उस वक्त था 10 मिनट्स
10 hours 19 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ओके। और उसके 2 सेकेंड के बाद यहाँ से गाड़ी इसके ऊपर से गई, तो अब आया 10 hours 19 minutes 32 seconds, तो दोनों में जो डिफरेंस आया वो 2 seconds का आया। सो 2 seconds में गाड़ी ने ये डिस्टेंस कवर किया, ओके। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज द यूनिट ऑफ आवर स्पीड। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट और एस्टिमेट द स्पीड ऑन दिस रोड। सो आपको स्पीड भी मिल जाती है। सो ना सिर्फ काउंटिंग मिलती है, आपको स्पीड भी मिलती है। इसलिए अगर आपको आपको सिर्फ काउंटिंग चाहिए तो एक ही ट्यूब काफी है। आपको अगर एक्यूरेसी के लिए चाहिए तो इतने नजदीक ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप एक ट्यूब यहाँ लगाओ, दूसरा ट्यूब कहीं और दूर लगाओ, 1 किलोमीटर दूर। तो इससे क्या होता है कि आपको नया डाटा भी मिलेगा और एक्यूरेसी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन इतने नजदीक डिस्टेंस पे लगाने का कारण ये है कि आपको स्पीड भी मिल जाए, और ये इतने दूर भी नहीं होना चाहिए। क्या होता है मालूम है क्या, इसको इतने दूर भी नहीं होना चाहिए कि मतलब जो पहला व्हीकल इसके ऊपर से गुजरे, तो जो सॉरी पहला फ्रंट टायर जब इसके ऊपर से गुजरे तो रेयर टायर के गुजरने से पहले फ्रंट टायर इसके ऊपर से भी गुजर जाना चाहिए, तभी आपको वो बराबर से ये मिलेगी, स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो हम जब स्पीड निकालना होता है तब हम ये करते हैं। उसके बाद में है प्यूमेटिक, ओके। अच्छा सॉरी, उसी का थोड़ा और है, हाँ, प्यूमेटिक। सो दिस हैज इन मेनी इयर्स बीन पॉपुलर। सो ये बहुत दिनों से यूज हो रहा है, और जब मैं मैंने बाहर भी ये कई जगह देखा है, इंडिया में तो भी अब काफी यूज होने लगा है ये। कहाँ चला जाता है, हाँ। सो फॉर व्हीकल्स सेंसिंग एंड सो ऑन, ठीक है। अ पेयर ऑफ ट्यूब कैन बी स्ट्रेच अक्रॉस द सेवरल लेन ऑफ द रोड। द डाटा लॉगर कैन एस्टैब्लिश व्हीकल डायरेक्शन बाय रिकॉर्डिंग व्हिच ट्यूब इज क्रॉस फर्स्ट, which has the drawback that if two vehicle crosses the tube at the same time, then the direction can't be accurately determined. Should two car be very close together, then they cross the tube, the system may see them as one multi-axle vehicle. Vendor claim that, so jo logon ne isko banaya, they claim that accuracy of 99%. However, again, you have to conduct manual count to figure out the accuracy. तो आपने जो वहां पे लगाया है, आपने लेट्स से कि पिछले 6 महीने से आप वहां डाटा कलेक्ट कर रहे हो, किसी एक दिन रैंडम एक दिन आप जाकर वहां पे मैनुअली काउंट कलेक्ट करते हो, और आप उसको एक एक ये करते हो, क्या बोलते हैं, कंपेयर करते हो प्यूमेटिक रोड काउंटिंग से और मैनुअल काउंटिंग से, तो आपको एक्यूरेसी का पता चलता है। The count need to be physically downloaded for, onto the computer from the logger at the roadside. At least one road tube is needed for each direction of the road or a junction which you want to count. Installation required working within the traffic lane. Road tube work well for short duration count and on low volume road. They are not as effective as effective on higher volume multi-lane highway. क्योंकि multi-lane highway पे क्या होगा, अब जैसे गाड़ी यहां से गई तो इसने काउंट किया, फिर इसने किया, अगर कोई ओवरटेक कर रहा होगा, अब यहां तो ओवरटेक हो जाएगा ना, ओवरटेक कर रहा होगा तो वो इसके ऊपर से जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे तो क्या होगा कि वो काउंट में एक ही को कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ ओवरटेकिंग किया वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है प्रॉब्लम कि ठीक है, अब आप जब इधर से गाड़ी आएगी तो पहले इस पे से जाएगी फिर इस पे से जाएगी, तो उस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो लेन वाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन कई बार वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा, क्योंकि इसके अंदर एयर है, जिस तरह से हमारे टायर के अंदर एयर होता है, और अगर टायर पंचर हो जाए तो आपका गाड़ी चल नहीं सकती, वो कोई काम की नहीं रह जाएगी, आपको उसको रिपेयर करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से ये प्यूमेटिक ट्यूब के अंदर की अगर एक बार पंचर हो गई, हवा निकल गई, तो फिर तो काम खत्म, फिर तो आपका प्रेशर बनेगा ही नहीं। सो वी हैव टू बी केयरफुल, इसका मेंटेनेंस बहुत है। सो एन इंक्रीज यूज ऑफ ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर ATTC डिजाइन फॉर इंडियन रोड ऑल्सो मीन्स दैट एक्यूरेट ट्रैफिक इंफॉर्मेशन इज बीइंग गैदर्ड, इट डिटेक्ट्स ट्रैफिक
on hot spot and peak time, more efficiently enforce speed reduction, well-placed signage and target police enforcement, identify dangerous wrong side driver, and plan safer infrastructure upgrade, aid congestion reduction efforts. ठीक है, तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं. अब आप देखोगे यहाँ पे एक चीज, अब मैंने एक और चीज जो लई है, आप देखोगे कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आगे तक जा रहा है, जबकि ये जो ट्यूब है वो सिर्फ एक लेन तक ही है. और यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल ट्यूब है, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार है, यहाँ पे एक और दो है, और यहाँ पे एक और दो है सिर्फ यहीं तक. तो अगर आपको लेन वाइज काउंट करना है कि इस लेन पे कितने ट्रैफिक जा रहे हैं, तो आप एक दो तीन चार पाँच छः, छः जगह से प्रेशर आएगा तब जाकर एक काउंटिंग होगी. अगर एक दो तीन चार जगह से प्रेशर आएगा तब यहाँ पे एक काउंटिंग होगी, और जब यहाँ पे सिर्फ दो ही इसमें प्रेशर आएगा तब एक काउंटिंग होगी, एक व्हीकल की काउंटिंग. तो इस तरह से आप एक ही इसको यूज करके अलग अलग काउंटिंग, अलग अलग लेन की काउंटिंग कर सकते हो. अब जैसे मैंने कहा, इसका साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट क्या है कि ये पंचर हो सकता है, इसमें से हवा निकल जाएगी, फिर क्या करोगे. तो उसका मॉडर्न वर्जन एक है जिसको कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर. हो सकता है मैं ये गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ. ओके, पाइजो इलेक्ट्रिक सेंसर कलेक्ट डाटा बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस सेंसर इज माउंटेड इन अ ग्रूव कट इन टू द रोड सर्फेस. तो ये बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, चिप की तरह होता है, इसमें कोई एयर नहीं होती है, और आप एक ग्रूव बनाते हो सड़क पे और वहां पे इस चीज को लगा देते हो और उसके बाद इसको सील कर देते हो. तो जब भी गाड़ी इसके ऊपर से जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा और वो उसको एज अ काउंट करेगी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक दो तीन, तीन लेन के लिए इन्होंने ये तीन चीजें बनाई है. जब भी गाड़ियां इसके ऊपर से जाएगी तो वो उसको काउंट कर लेगी. इसका एक और यूज होता है, रेड लाइट सिस्टम पे भी हम इसको यूज करते हैं. बेसिकली जब इस पे से गाड़ी यहाँ से जाएगी तो आगे जो रेड सिग्नल है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको कंटिन्यू ग्रीन मिल जाएगा. ठीक है, तो वो भी लाइव ट्रैकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं. मैंने जब ऑस्ट्रेलिया में था तब मैंने इसको ऑपरेशन में देखा था, और वो बहुत इजी काम है. लेकिन इतना है कि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, लाइट गई तो चीजें ठप पड़ जाती है. देन कम मैग्नेटिक डिटेक्टर्स. ठीक है, तो ये उसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है. इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे ये जो दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे मैग्नेटिक डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, और जब भी कोई व्हीकल्स इसके ऊपर से गुजरेंगे ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. सो दिस डिटेक्ट्स द व्हीकल्स बाय मेजरिंग द चेंज इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज द व्हीकल पास ओवर द डिटेक्टर. द सेंसर इज आइदर बरीड इन द रोड और एनक्लोज्ड इन द बॉक्स बाय द रोड साइड. तो या तो आप सड़क के अंदर लगाओ या तो आप रोड के साइड में भी उसको लगा सकते हो. If the vehicle are following each other closely, the magnetic detector may have difficulty in discriminating between them. ठीक है, ये जो सिस्टम है ये इंडिया के लिए नहीं है. मैग्नेटिक डिटेक्टर ये सब इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, तो आप उसको उससे काउंट नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो ये तो मेथड से कि आप कौन कौन से मेथड से आप व्हीकल्स को काउंट कर सकते हो. Now, मुझे मैं एक्चुअल में तो आधा घंटा लेट शुरू हुआ और अभी 9:10 कम है. क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको मैं कितनी देर तक पढ़ा सकता हूँ? आपको कब तक, मतलब मैंने छोड़ देना था कि आपको ऑफिस जाना है या कुछ है तो आप जा सको. मैं तो आपको 10 बजे तक पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तक, आपके पास कितनी देर तक टाइम है? जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको कितने बजे तक पढ़ाऊँ? 9 बजे तक पढ़ाऊँ, या 9:30 तक भी पढ़ा सकता हूँ, या 10 बजे तक पढ़ा सकता हूँ?
ये तो था आपका व्हीकल काउंट का, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है उस व्हीकल काउंट को किस तरह से प्रेजेंट करना है आपको। आपने काउंटिंग तो कर ली, पर आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? 9:30, परफेक्ट, वंडरफुल, सो आई गेट अनदर 40 मिनट्स, थैंक यू अजय। सो अब आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, आप इसको बताओगे कैसे? ओके, सो द व्हीकल वॉल्यूम और ट्रैफिक वॉल्यूम इज प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग वेज। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, दैट इज AADT, एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक, दैट इज AAHT, एनुअल एवरेज वीकेंड ट्रैफिक, दैट इज AAWT। ना क्योंकि यहाँ पे पहले इसमें एनुअल लिखा है, दैट मीन्स आपकी जो डाटा कलेक्शन का ड्यूरेशन था वो सालाना था, पूरे 365 डेज आपने डाटा कलेक्ट किया, तब आपको एनुअल एवरेज मिलता है। वो भले एवरेज डेली हो, आवरली हो, वीकेंड हो, लेकिन वो निकालने के लिए आपको पूरा साल भर डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप साल भर डाटा कलेक्ट नहीं करते हो, देन आप एनुअल वर्ड इसको यूज नहीं कर सकते। इन दैट केस यू कैन ओनली से एवरेज डेली ट्रैफिक ADT। मान के चलो मैंने 6 महीने किया तो मैंने डेली ट्रैफिक निकाला, तो वो एनुअल डेली ट्रैफिक, एवरेज डेली ट्रैफिक नहीं होगा, वो एवरेज डेली ट्रैफिक होगा सिर्फ। देन ट्रेंड चार्ट, 30th हाईएस्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम एट इंटरसेक्शन एंड वेरिएशन चार्ट, आवरली वेरिएशन, वीकली वेरिएशन, ये जो आपने यहां निकाला है ना, ये सारा उसका वेरिएशन चार्ट यहां आएगा। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक AADT, उसका जो इक्वेशन है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट अ ईयर एट एनी गिवन सेक्शन, तो जो आपका सेक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने यहाँ पे पूरा सालाना काउंट किया, 365 डेज काउंट किया, तो इस सेक्शन पे आपका एवरेज डेली ट्रैफिक कितना है वो कैसे निकालोगे? सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन दैट ईयर, दैट इज 365। सो वो आपको मिला व्हीकल पर डे। अगर आपको आवरली निकालना है तो आपको मालूम है दिन का आप निकाल चुके हो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सो यू अगेन डिवाइडेड बाय 24, यू गेट व्हीकल पर आवर, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट अ ईयर डिवाइडेड बाय 24। अगर आपको वीक डेज के लिए निकालना है, ओके, वीक डेज, क्योंकि सैटरडे संडे का ट्रैफिक अलग होता है और वीक डेज का ट्रैफिक अलग होता है। वीक डेज के अंदर लोग ऑफिस जाते हैं, सैटरडे संडे के दिन वो घूमने जाते हैं, पर हर सैटरडे संडे घूमने नहीं जाते हैं। आप एक हाथ बार जाओगे, बाकी टाइम आप घर पे रहोगे, रिलैक्स करोगे, तो इसलिए उस दिन हो सकता है ट्रैफिक कम मिले आपको। तो इसलिए वीक डेज का जो ट्रैफिक है वो निकालने के लिए तो आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट द वीक डेज। तो आपने जब प्यूमेटिक या खुद से जब काउंट किया तो आपको मालूम है मंडे के दिन मैंने कितना काउंट आया, ट्यूसडे कितना आया, थर्सडे कितना आया, फ्राइडे कितना आया, एंड डिवाइडेड बाय 360, हाउ मेनी वीक डेज वी हैव इन अ ईयर, दैट इज, सॉरी, 260, सो दैट इज योर व्हीकल पर डे। पर अगर आप पूरे साल भर नहीं डाटा कलेक्ट करते हो, तब उस केस में आप एवरेज डेली ट्रैफिक निकालते हो, सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट द वीक। तो आप अगर एक हफ्ते का डाटा लेते हो या 15 दिन का डाटा लेते हो या जितने कब लेते हो, तो नंबर ऑफ डेज जो है उतना डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ डेज। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने वीक लिया है, सो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट दैट वीक डिवाइडेड बाय 7 इज व्हीकल पर डे। तो ये सिंपल इक्वेशंस है, आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है वो पूछा जा सकता है कि आपको वो दे दे, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व थ्रू आउट द ईयर इज 7890, प्लीज कैलकुलेट और कैलकुलेट AADT। आपको कुछ नहीं, वो जो नंबर दिया गया डिवाइडेड बाय 365 करना है, AADT आ गया। या इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कैन यू टेल अस द फॉर्मूला फॉर एवरेज एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक, तो आपको फिर ये इक्वेशन बोलते आना चाहिए। ये चार इक्वेशन है, ये चारों आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल है, यही खत्म हो जाता है ये
डेली आवरली वीकेंड एंड एवरेज डेली. देन कम्स ट्रेंड चार्ट. तो अभी जो निकाल रहे हैं ये सब डाटा जो आप निकाल रहे हैं ये विजिबल जब करोगे आप तभी बहुत आसानी से समझ में आता है ट्रेंड चार्ट जो है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वापस पीछे जाता हूँ, जो मैंने लिखा है वो आपको मैं बताता हूँ क्या है. लेकिन ये है एग्जाम्पल एक ट्रेंड चार्ट का कि किस तरह से 2010 में आपको एवरेज डेली ट्रैफिक उस सड़क पे कितना था, फिर 2011 में कितना हुआ थोड़ा बड़ा, फिर 2012 में कम हुआ, फिर 2013 में बहुत तेजी से बढ़ा, फिर ऐसे आगे करते 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 2022 में वो आज की तारीख में इतना है. तो अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा एक ये बनाऊं, आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म में तो ये था, शॉर्ट टर्म में आपकी ग्रोथ जो थी वो इस तरह की दिख रही थी, मीडियम टर्म में जो आपकी ग्रोथ थी वो इस तरह की दिख रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है वो दोनों के बीच में यहाँ की है. ठीक है, सो आपको ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ शॉर्ट टर्म ग्रोथ इन द ट्रैफिक ये सब दिखाई देता है. अगर आप इसको बेस समझोगे तो आप देखोगे आप तो बोलते हो यार ट्रैफिक तो घट रहा है, नीचे जा रहा है ट्रैफिक, उस हिसाब से तो 2020 में ट्रैफिक यहाँ होना चाहिए पर यहाँ है ट्रैफिक, तो ये इतना बड़ा एरर है. तो अगर आप शॉर्ट टर्म देखते हो कभी भी, अगर शॉर्ट टर्म में सिर्फ आप इसको कंसीडर करते हो तो ये एरर है आपका. तो अगर शॉर्ट टर्म में आप ये सेक्शन देखते हो तो ये आपका एरर है, अगर आप शॉर्ट टर्म में ये सेक्शन देखते हो तो आपका ये एरर है. इसलिए कभी भी हम जब ट्रैफिक स्टडीज की बात करते हैं हमें लॉन्ग टर्म भी देखना होता है, हमें शॉर्ट टर्म भी देखना होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है. लॉन्ग टर्म आपको फिर रियल इंफॉर्मेशन देता है, रीजनेबली रियल इंफॉर्मेशन देता है. तो इसीलिए ट्रेंड चार्ट्स बनाया जाता है कि आपने एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कितना लिया है आपको दिखा है. ठीक है, सो ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड चार्ट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हिच इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्लानिंग फ्यूचर एक्सपांशन डिजाइन एंड रेगुलेशन. इफ फ्रॉम ट्रेंड चार्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक इज कंप्यूटेड R percentage, then the future traffic is given by A, which is the future traffic equals to present traffic P multiplied by 1 plus rate of increment that is R bracket close raised to number of future year that you are looking for. So N can be 1, N can be 10, N can be 15. So number of future year that you are looking for. और ये सिंपल है, आप लोग जिन लोगों ने भी इंटरेस्ट रेट से कितना पैसा आपको मिलेगा देना पड़ेगा वो सब वही कैलकुलेशन का ही वही वही इक्वेशन है, बस हम यहाँ पे रुपए के जगह व्हीकल कैलकुलेट कर रहे हैं. सो जो एनुअल ट्रैफिक है, सालाना जो ट्रैफिक है वो हम क्यों निकालते हैं, वो हम निकालते हैं ताकि हमें टू कंप्यूट क्रैश रेट. ओके, इस हमें एनुअल ट्रैफिक से ही पता चलता है कि क्रैश रेट कितना है. साल में 10 लाख गाड़ियां गई, उसमें से 3,000 गाड़ियों का क्रैश हुआ. सो दैट, क्योंकि रोज का क्रैश तो आप निकाल नहीं सकते ना, तो इसलिए आपको सालाना क्रैश रेट निकालना होता है और उसको कंपेयर करते हैं हम एनुअल ट्रैफिक से टू इंडिकेट द ट्रेंड इन वॉल्यूम चेंज. सो जैसे आपको जो मैंने डायग्राम बताया था वो ये सालाना काउंट के ऊपर बनाया गया है. So, यहाँ पे आप एनुअल ट्रैफिक यूज करते हो. आप एवरेज डेली ट्रैफिक कहाँ यूज करते हो या एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कहाँ यूज करते हो, जब आपको डिमांड निकालनी है. ठीक है, आपको उस सड़क की रोजमर्रा की डिमांड कितनी है वो निकालनी है, तब आप डेली ट्रैफिक यूज करते हो. ठीक है, या आपको पता करना है कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपको कितना इंप्रूवमेंट करना है, तो वो करने के लिए आप एवरेज डेली ट्रैफिक यूज करते हो, ये वैल्यू यूज करते हो. आवरली वैल्यू कब यूज करते हो, आपके पास में एक और चीज है जो आप यहाँ देख रहे हो, आवरली आ गया ये वाला आवरली.
आवरली कंजेशन के लिए सबसे आसान तरीका, अगर आपको किसी ने भी बोला आवरली कब क्यों यूज करते, कंजेशन निकालने के लिए, क्योंकि आपको रात के 12 बजे सड़क पे कंजेशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन सवेरे 8 बजे तो कंजेशन मिल रहा है। तो चेंज क्या हो रहा है, हफ्ता चेंज हो रहा है क्या, नहीं। साल चेंज हो रहा है क्या, नहीं। दिन चेंज हो रहा है क्या, नहीं। चेंज क्या हो रहा है, घंटा, 12 बजे और 8 बजे के बीच में आवर चेंज हो रहा है, घंटा चेंज हो रहा है, घंटा घर में जो घंटा बजता है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको आवरली ट्रैफिक की वहां जरूरत पड़ती है। तो आप जब कोई भी चीज डिजाइन करते हो, कैपेसिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे होते हो, डिजाइन की बात करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हो, तब आवरली ट्रैफिक हमें यूज करना पड़ता है। तो आवरली ट्रैफिक को हम कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पीक कब आता है कब नहीं आता है, ये जानने के लिए हमको आवरली ट्रैफिक चाहिए। टू इवेल्युएट कैपेसिटी डेफिशिएंसी, कैपेसिटी डेफिशिएंसी जब आती है तब कंजेशन होता है। तो जब भी कंजेशन होगा मतलब आप कैपेसिटी डेफिशिएंसी है ना। तो एस्टैब्लिश ट्रैफिक कंट्रोल, आप पीक पीरियड में जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तभी तो कंट्रोल चाहिए। रात के 12 बजे मुझे किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, ठीक है, वहां आराम से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब पीक पीरियड होता है तभी कंट्रोल करना होता है कि भाई अभी राइट, अभी रेड है, अभी ग्रीन है। टू डिटरमाइन द ज्योमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर्स, कितनी बड़ी बड़ी सड़क चाहिए, वो सड़क कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर चाहिए, कहाँ पे क्या चाहिए, वो सब पता करने के लिए आपको आवरली ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो एनुअल क्रैश रेट और वॉल्यूम ट्रेंड पता करने के लिए, डेली डिमांड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए, और आवरली ऑपरेशन एंड कंजेशन, ये चीजें पता करने के लिए, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। एंड कम्स 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। अब आप आवरली वॉल्यूम में भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको अब जैसे मैंने कहा कि रात के 12 बजे आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा, रात के 3 बजे भी ट्रैफिक नहीं दिखेगा, सवेरे 5 बजे थोड़ा ट्रैफिक बढ़े हुआ दिखेगा, 6 बजे और बढ़े हुआ दिखेगा, 8 बजे थोड़ा और, 9 बजे और ज्यादा बढ़ चुका होगा, 10 बजे और ज्यादा, फिर दोपहर में 12 बजे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर 3 बजे और कम, थोड़ा कम होगा, लेकिन रात के 3 बजे से दोपहर के 3 बजे ज्यादा होता है, सॉरी दोपहर के 3 बजे ज्यादा ट्रैफिक दिखेगा, रात के 3 बजे ट्रैफिक कम दिखेगा, और सो एंड सो ऑन, और फिर से वही साइकिल चलता रहेगा। तो आप किस चीज के लिए अपना डेली सिस्टम डिजाइन करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, कि आप किस चीज के लिए डिजाइन करोगे, रात के 3 बजे के लिए कि दोपहर के 3 बजे के लिए, कि सवेरे के 8 बजे के लिए कि रात के 8 बजे के लिए। तो इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस ने कहा है कि यू डिजाइन योर रोड सिस्टम, रोड ऑपरेशनल सिस्टम फॉर 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो एक है जो सबसे ज्यादा है, जो एक ही बार आया है, दो, एक है जो दो बार सबसे ज्यादा आया है, एक है जो बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसा जो 30th हाईएस्ट होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे। ओके, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर। आगे मेरे पास शायद इसका चार्ट है, हाँ मैं फिर बताता हूँ आपको इसके बारे में। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज एक्सीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर। तो कितने बार ये इसके मतलब आपने जिस चीज के लिए डिजाइन किया है उससे ज्यादा ट्रैफिक आपको सिर्फ 29 टाइम्स ही दिखेगा साल में, बाकी टाइम पे नहीं दिखेगा। ऑल अदर ट्रैफिक डाटा विल बी लाइज लेस देन दिस। तो अगर आपने 30th के लिए डिजाइन किया है और आज 28th हाईएस्ट है, तो आपके पास कंजेशन नहीं होगा, सारी चीजें अच्छे से चल रही होगी, सिर्फ साल में 30 बार ही कंजेशन होगा, ठीक है। IRC consider this traffic volume as a design hourly volume. तो यहां पे ये आपको देखिएगा hourly traffic volume दिया गया है, ठीक है, और यहां पे है T0, T5, T10, T20, T30, T35 और ऐसा so on. So 30th highest hour, 30th higher hourly वॉल्यूम। सो एक घंटे में आपने सबसे ज्यादा, 30वां सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम देखा वो ये था,
एक घंटे में सबसे ज्यादा 0 बार सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है ना, वो तो एक्चुअल में इन्फिनिटी होता है, ठीक है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, तो वो एक्चुअल में वो होता ही नहीं, आप उसको इन्फिनिटी कंसिडर करते हो। सो एक घंटे में सबसे ज्यादा जो है वो T1 यहाँ आएगा, और वो एक वैल्यू आएगी यहाँ पे, उसको आपने एक ही बार ऑब्जर्व किया, एक से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, जिसको 2 बार ऑब्जर्व किया, जिसको 2 बार 3 बार ऑब्जर्व किया, ऐसा करके आप इसको ड्रॉप बनाते हो और आप देखते हो कि ये, और आप जैसे जैसे उसको बनाते जाओगे उसके बाद में आपको ये ट्रैफिक मिलेगा, और फिर आप ये 30th पे इसको लेकर ये वैल्यू, और आप इसको डिजाइन करोगे। तो ज्यादातर टाइम पे आपका जो वॉल्यूम है, ट्रैफिक वॉल्यूम है, वो नॉर्मली इसके नीचे ही होगा, यहाँ पे होगा। सिर्फ साल में 30 बार ऐसा होगा कि ट्रैफिक वॉल्यूम आपका ये जो इसके अंदर, यहां तक तो आपने डिजाइन कर रखा तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिर्फ 30 ही बार हो रहा आउट ऑफ 365 डेज, इट इज मैनेजेबल। बट देन इट इज मैनेजेबल नॉट ऑल द टाइम। इफ यू थिंक अबाउट नेशनल हाईवेज, यू डोंट वॉन्ट टू बी गेट स्टक योर ट्रैफिक इन इन ऑन अ नेशनल हाईवे फॉर इवन फॉर अ हाफ एन आवर। सो इन दैट केस यू डिजाइन नेशनल हाईवे फॉर लेट से Q15, ओके। सो सिर्फ 15 बार से कम ही बार उसमें वहां पे कंजेशन आएगा साल में, बाकी टाइम पे वो रोड क्लीन रहेगा, एकदम सेफ रहेगा, ठीक है। पर वहां इन्वेस्टमेंट फिर ज्यादा लगेगा, आपको कैपेसिटी आप ज्यादा बढ़ाना, सो 30th हाईएस्ट ट्रैफिक वॉल्यूम। और मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, जब थोड़े और ज्यादा बच्चे हो जाएंगे और सब हो जाएंगे ना, मैं क्या करूंगा कि इस पे आपको एक दो क्वेश्चन भी दे दूंगा, ताकि आप इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तब आप उसको समझ लोगे, और तब अगर कोई क्वेश्चन होता तो आप मुझसे पूछ भी लेना। देन कम्स दिस इज आई थिंक और 2-3 ही स्लाइड है, फिर अपन खत्म कर देंगे आज के लिए। देन कम्स वॉल्यूम फ्लो डायग्राम एट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि वहां पे दो से ज्यादा रोड आके मीट करते हैं, और वो काफी डेंजरस एरिया होता है एक्सीडेंट्स के लिए भी। सो वहां पे आपको बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ता है इंटरसेक्शन डिजाइन के लिए, ठीक है। सो वहां के लिए आपको एक अलग वॉल्यूम काउंटर ये सब करना पड़ता है, और वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, लेबरियस काम है। वहां पे आपको डायरेक्शन भी देखना होता है, क्योंकि बाकी जगह तो स्ट्रेट है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज भी है, तो आपको वो भी देखना होता है। सो ट्रैफिक फ्लो डायग्राम एट इंटरसेक्शन आइदर ड्रॉ टू अ सर्टन स्केल और इंडिकेट ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी यूज फाइंड द डिटेल ऑफ क्रॉसिंग एंड टर्निंग ट्रैफिक। सो दैट दिस डायग्राम गिव्स यू द नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग द रोड और टर्निंग लेफ्ट और राइट। दिस डाटा इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, इंटरसेक्शन इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि वहां पे अब जैसे आप यहां देख सकते हो, यहां से सीधे लोग जा रहे हैं और यहां से टर्निंग भी हो रही है, तो यहां पे एक्सीडेंट होता ही है, क्योंकि यहां पे एक दूसरे के पाथ क्रॉस हो रहा है, यहां पे एक दूसरे का पाथ क्रॉस हो रहा है, तो एक्सीडेंट होगा। तो ये जो पाथ क्रॉस होगा जहां पे भी, वहां पे आप एक्सीडेंट ना हो इसके लिए फिर सिग्नल लगाते हैं और वो सारी चीजें होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू इट इन मैनुअली, बिकॉज आप यहाँ खड़े रहते हो, आप देखते हो कि कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, 800 आ रहे हैं, कितने राइट टर्न ले रहे हैं, कितने लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, कितने स्ट्रेट जा रहे हैं। सो 325 स्ट्रेट जा रहे हैं, लेफ्ट टर्न 225 ले रहे हैं, राइट टर्न 200 ले रहे हैं, और ऐसा आप काउंट करते हो। तो एक यहाँ खड़ा होगा कोई, एक जन यहाँ खड़ा होगा, एक जन यहाँ खड़ा होगा, एक जन यहाँ, तो एक इंटरसेक्शन में आपको 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, और तब फिर आप काउंटिंग करते हो। या फिर आप ऊपर जिस तरह से, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आपने एक वीडियो कैमरा लगा दिया है और वो 2400 घंटे चलता है, और वो रिकॉर्डिंग आपको फिर मिल जाती है, और आप फिर ऑफिस में बैठकर काउंट करते हो, ठीक है। सो इट इज आइदर अ लेबर इंटेंसिव और अ टाइम इंटेंसिव। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो और फिर ऑफिस में करते हो, तो 24 घंटे आपकी रिकॉर्डिंग होती है, फिर आपको उसको एनालाइज करने के लिए, काउंट करने के लिए आपको 2 दिन लगते हो, तो आपको 3 दिन लग रहे हैं, तो आपको एक इंसान 3 दिन में काम करेगा, या फिर आप 4 इंसानों को यहाँ पे लगा दो और 1 दिन में वो पूरा निपटा देंगे। तो इट इज आइदर अ लेबर इंटेंसिव और टाइम इंटेंसिव। Then comes variation chart. Okay, so variation chart shows hourly, daily, and seasonal variation. It helps in deciding the facilities and regulations needed during the peak traffic. So आप ये देख सकते हो कैसे ये time है, hour of the day, और ये जो है weekdays है, Saturday and Sunday है,
सो ये मान के चलो कि ये फ्राइडे है, ओके, तो फ्राइडे के दिन सवेरे 12 बजे से आपने ट्रैफिक काउंट शुरू किया एक सड़क पर, एक क्रॉस सेक्शन पर, और आपने देखा कि किस तरह से सवेरे 6 बजे ट्रैफिक हाई हो जाता है, उसके बाद में दोपहर में 11:30 बजे के पास में, 12 के आसपास ट्रैफिक कम हो जाता है, फिर उसके बाद में शाम में दोपहर में 4 बजे के बाद 4-5 पे ट्रैफिक बहुत हाई हो जाता है, और फिर रात 12 बजे तक वो कम होता जाता जाता रहता है, और फिर सैटरडे के दिन देखोगे आप चीज़ें बदल जाती है। सैटरडे के दिन 6 बजे उतना ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक 12 बजे है, और उसके बाद में ट्रैफिक गिरना शुरू होता है, और संडे के दिन भी ट्रैफिक 12 बजे के बाद में और फिर बाद में गिरना शुरू होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक दिन में 2 पीक आ रही है, जबकि यहाँ पे एक दिन में एक ही पीक आ रहा है। आप में से मुझे मतलब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे कि वीक डेज में फ्राइडे के दिन, वीक डेज हम एज एग्जाम्पल फ्राइडे ले रहे हैं, तो फ्राइडे के दिन आप सवेरे सवेरे अपना ऑफिस जा रहे हो, फिर आप ऑफिस पहुंच गए, सारे लोग ऑफिस पहुंच गए, बहुत कम लोग यहाँ पे आप घर से बाहर निकल रहे हो, ये लोग जो वो लोग निकल रहे हैं जो कि जैसे प्लम्बर हैं, या जो जिनका काम जो है ऑफिस बेस्ड काम नहीं है, टाइम टाइम शेड्यूल बेस्ड काम नहीं है, वो लोग निकल रहे हैं, ठीक है। और फिर शाम में दोपहर के टाइम पे क्या हो रहा है, वापिस आप लोग अपने घर के लिए निकल रहे हो, तो वापिस सड़क पे वापिस आ रहे हो, ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, तो सवेरे ऑफिस जाने का ट्रैफिक, शाम में घर पे जाने का ट्रैफिक, और ये बाद में जो लोग ऑफ नॉन ऑफिस बेस्ड लोग हैं उनका ट्रैफिक। लेकिन सैटरडे के दिन क्या है, आपकी छुट्टी है, आप आराम से घर में हो, उठते हो सकता है सिनेमा देखने के लिए जा रहे हो, या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो इसके लिए, और आप बहुत कम लोग निकलते, इसलिए देखना ट्रैफिक उस दिन कम है, आधे ही लोग निकल रहे हैं, आधे लोग घर में सो रहे हैं, आधे लोग ही निकल रहे हैं, तो जो लोग निकल रहे हैं, अब हो सकता है आप सैटरडे के दिन निकलो संडे के दिन वापिस आओ, या सैटरडे के दिन सवेरे निकलो शाम में वापिस आओ, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए मल्टीपल वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो ये वेरिएशन चार्ट, इसलिए इसको वेरिएशन चार्ट कहते हैं। तो यू हैव पीरियोडिक वॉल्यूम काउंट, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू फाइंड सर्टेन ट्रैफिक डाटा सच एज AADT, ADT, इट इज नेसेसरी टू काउंट ट्रैफिक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, मे बी फॉर ईयर और मंथ। Counting traffic for long duration of time involves cost and efforts, which is not feasible practically. Hence, to make the reasonable estimate of certain traffic data, concept of expansion factor can be used in periodic volume count. In periodic volume count, expansion factor used as follows. This is my last slide. इसके बाद फिर हम यहाँ रुक जाएंगे. ये जो ट्रैफिक स्टडीज, स्पीड स्टडी है, बाद में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो सेम लॉजिक, जैसे आवरली एक्सपेंशन फैक्टर, टोटल ट्रैफिक फॉर अ डे डिवाइडेड बाय टोटल ट्रैफिक फॉर पर्टिकुलर आवर, डेली एक्सपेंशन फैक्टर, टोटल ट्रैफिक फॉर अ वीक डिवाइडेड बाय ट्रैफिक फॉर अ पर्टिकुलर डे, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर AADT, एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय एवरेज डेली ट्रैफिक, एंड पीक आवर फैक्टर, ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल काउंटेड ड्यूरिंग द पीक आवर एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ व्हीकल काउंटेड ड्यूरिंग द हाइएस्ट 15 कंसेक्यूटिव मिनट्स। पीक आवर फैक्टर इज मेजर्ड ऑफ द वेरिएशन इन डिमांड ड्यूरिंग द पीक आवर, क्योंकि आवर में भी हर 15-15 मिनट का अगर आप देखोगे तो आपको वेरिएशन दिखाई देगा, तो उसका पीक आवर फैक्टर फॉर 15 मिनट्स इज आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय V15, दैट इज द मैक्सिमम 15 मिनट्स वॉल्यूम दैट यू हैव सीन ड्यूरिंग एनी कंसेक्यूटिव 15 मिनट काउंटिंग, एंड PHF 5 minute, 5 is same, but here instead of 15, you are using 5 as the variation minute. और आप देखोगे कि n by 60 is always less than PHF for that particular n is always less than 1. So
सो पीक आवर फैक्टर हम कब निकालते हैं? ये इसका कारण ये होता है ना कि जब जब अगर कभी आप कभी काउंट करोगे तो आप पाओगे कि आपने अलग अलग फैक्टर निकाला, पर जैसे सवेरे 8 से 9 के बीच में आपने देखा बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन 8 बजे से लेकर 8:15 के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। अगर आप 15-15 मिनट का टाइम निकालोगे उस टाइम पे ही कंजेशन हो रहा है, 15 मिनट का कंजेशन हो जा रहा है, पूरा आपकी पूरी सिस्टम बिगड़ जा रही है, और फिर वही कंजेशन आपके 2 घंटा ले रहा है सारी चीज को सॉल्व करने के लिए। सो कंजेशन शुरू हुआ था 8:10 को, लेकिन उसकी प्रॉब्लम 9 बजे तक चलती रही। अगर आपने 8:10 को ही सिस्टम को कंट्रोल कर लिया होता तो आपको 9 बजे तक कंजेशन देखना नहीं पड़ता था। इसलिए हम पीक आवर फैक्टर भी निकालते हैं। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। आज हमने ये ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी देखा, कल हम ट्रैफिक स्पीड स्टडीज देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन टूडेज लेक्चर? ओके, सो अजय आपका क्वेश्चन है कि 260 कैसे आया, राइट? सो 260 ऐसे आया कि आपका जो एक साल है, एक साल में कितने वीक आते हैं? 52 वीक्स आते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैंने जब ये चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं यूज अच्छा एक और चीज पहले मैं आपको ये आंसर दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जब एज अ ट्रैफिक इंजीनियर काम करते हैं तो हम 2 स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं। एक होता है US स्टैंडर्ड, यूएस की एक बहुत बड़ी ये हाईवे कैपेसिटी मैनुअल जो दुनिया के हर कोने में यूज होती है, हाईवे कैपेसिटी मैनुअल फॉर रोड डिजाइन एंड क्या बोलते ट्रांजिट कैपेसिटी मैनुअल फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिजाइन। ठीक है, तो एक हम यूएस का यूज करते हैं और एक इंडिया के, हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का जो अपना है वो यूज करते हैं, उसको कहते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। तो जो यूएस वाले हैं उनका जो वीक होता है, वीक डेज होते हैं, वो 5 वीक डेज होते हैं और 2 वीकेंड होते हैं। मंडे टू फ्राइडे इज वीक डेज, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और वीकेंड जब ज्यादातर लोगों को छुट्टी होती है सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, दो दिन छुट्टी रहती है, 5 दिन वो लोग काम करते हैं। ठीक है, अपने यहाँ ज्यादातर वैसा नहीं होता, अपने यहाँ अपन मंडे से सैटरडे काम करते हैं, सिर्फ संडे के दिन छुट्टी मिलती है, राइट? सो नाउ एक साल में कितने हफ्ते होंगे? सो इन 1 ईयर वी हैव 52 वीक्स। नाउ How many working days we have? The working days means weekdays. In a week, we have 5. So 52 multiplied by 5. 5 as per US. So 5 multiplied by 52 gives me 260. 5 2s are 10, 1 carry, 5 5s are 25, and this. So that's how you get 260. Okay. Aap India ke case mein 6 se bhi kar sakte ho. पर यूजुअली अगेन इंडिया में इतना कंजेशन होता है कि हम बेसिकली वीकली नहीं खेलते, हम आवरली खेलते हैं, आवरली और डेली। ऑफिस आवर्स, हाँ वो जो पीक आ रहा है वो ऑफिस आवर्स की वजह से आ रहा है, करेक्ट। राम सर कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी? यू कैन गेट दिस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, जो मैडम है ना जिनके पास में आपने एडमिशन लिया और ये सब किया, आपको उनके पास से ये सारी चीजें, क्योंकि मेरे पास आपके आपका कोई कांटेक्ट नहीं है और मेरे पास कोई मेथड भी नहीं है आपसे शेयर करने के, तो ये सारी चीजें आपको उनके थ्रू मिल जाएगी। शुड नॉट बी वरी अबाउट इट, आप उनसे कांटेक्ट करो, आपको मिल जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और सेम? ओके, वेल एक्चुअली प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग में सटल डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है, सटल डिफरेंस है। प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग इज नॉट अबाउट कंस्ट्रक्शन, ओके, प्लानिंग इज अबाउट डूइंग थिंग्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड फ्यूचर अजम्पशंस इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड। सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने बेटे के लिए प्लान कर रहा हूँ कि वो आगे जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, मैं अभी उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज रहा हूँ क्या? नहीं, दैट इज जस्ट अ प्लानिंग। उस हिसाब से फिर मैं पैसा जमा करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, वो प्लानिंग है।
इंजीनियरिंग में क्या होता है कि यू यू ट्रांसफर योर इमेजिनरी वर्ल्ड इन टू द रियल वर्ल्ड. सो आप उसको अब डिजाइन करोगे. तो अब मैं डिजाइन क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको फिर प्रॉपर स्कूल में भेज रहा हूँ. सो क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, उसकी एग्जाम्स होंगी. मेरे को लगता है 100 में से उसको 90 मार्क्स आ रहे तो हाँ ये इंजीनियर बन जाएगा. वो 100 में से 10 ही मार्क ला रहा है तो दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं उसका इंजीनियर बनने का. मुझे डोनेशन काफी देना पड़ेगा. सो दैट इज योर इंजीनियरिंग, योर डिजाइनिंग. तो अगर उसको 100 में से 90 आए तो मैं उसको ट्यूशन नहीं लगाऊंगा. 100 में से 10 आए तो मैं उसको ट्यूशन लगा दूंगा. सो ट्यूशन लगाना मतलब इंजीनियरिंग. आई एम डिजाइनिंग द सिस्टम. ओके, व्हाट वाज माय प्लान? माय प्लान इज टू मेक हिम इंजीनियर. My engineering is to get him into a tuition where he can study much better. Okay. और उसके बाद में आता है construction. So planning, engineering के बाद आएगा construction. कि आपने जो engineering कर दी अब आप उसको real world में, land में आप उसको बनाते हो. तो अब वो engineering में admission ले लिया. अब मैंने उसको भेज दिया वहाँ पे, वो admission लेके पढ़ाई कर रहा है. So now he is becoming an engineer. Okay. So there are three stages we go from it. First is the planning stage. Second is the engineering stage where we design and do things. And the third is construction stage where we construct the things. Is that make some sense, Ajay? तो अभी आप लोग जो मुझसे पढ़ाई कर रहे हो ये इंजीनियरिंग स्टेज है. आपने ऑलरेडी प्लान कर रखे हो कि मुझे एग्जाम देनी है. ये जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है तो आपकी प्लानिंग हो चुकी है, आपने एग्जाम दे चुकी है. अब आप इंजीनियरिंग स्टेज पे हो, आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, आप घर पे भी और पढ़ाई करोगे, रिसर्व करोगे. ठीक है, ये इंजीनियरिंग. और जब आपको लग जाएगा तब फिर वो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आएगा. आप फिर और चीजें बढ़ोगे, नए नए चीजें बनाओगे, देन इट बिकम अ कंस्ट्रक्शन स्टेज. वंडरफुल. एनी मोर क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट. सो आप लोगों को अगर मैं रोज 5:30 बजे तक पढ़ाऊं, जब भी मेरा टाइम है, मेरा टाइम वेनिसडे और थर्सडे, अगर मैं आपको 9:30 बजे तक पढ़ाऊं तो चलेगा आप लोगों को? कि आप लोगों का ऑफिस रहता है और आपको रश रहती है किसी चीज की. अगर मैं आप लोगों को 9:30 बजे तक रोज पढ़ाऊं, 9 बजे की जगह 9:30 बजे तक, तो चलेगा क्या? नो इशू, परफेक्ट. क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, सवेरे 7:30 बजे मुझे यहाँ आना होता है, मैं आ जाता हूँ, लेकिन बहुत सारे इशू होते हैं. सिस्टम चलने में टाइम लेता है, इंटरनेट लगने में टाइम लेता है, देयर आर मेनी इशूज. तो आज जैसे आज मैं ऑलमोस्ट 25 मिनट्स लेट हो गया, तो इसलिए मेरे को आपको 9:30 बजे तक लेना पड़ रहा है. वंडरफुल. सो आज के लिए इतना काफी है. आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा वहाँ की ठंडी को, और good time, and I'll see you tomorrow again at 7:30. If you have any question, make sure you prepare that question, and then tomorrow when I start my session, you can drop me those questions. I'm more than happy to answer those questions and help you as much as I can. Thank you very much, and I'll see you tomorrow at 7:30. Thank you. आई विल श्योर अजय. पर कैसा है, आप लोग जहाँ रहते हो वो राजस्थान है, मैं जहाँ रहता हूँ वो महाराष्ट्र है. मैंने आप लोगों के क्वेश्चन पेपर अभी तक देखे नहीं है, तो मैं देखूंगा उसको, और मैं आई एम श्योर मैं आप लोगों को अपने तरफ से भी क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको. ठीक है.